यानी देसी तड़का विद श्वेता। आज हम अपनी किचन में जो बनाने जा रहे हैं वो है मटर कुलचा, जिसके लिए मटर हमने भिगोनी है और ये मैंने भिगो के वैसे तो ले लिया है, इसको हम उबलने रखेंगे। और कुलचा भी आपको आज अब हम घर में बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाना है ये सब आपके साथ आज शेयर होगा। और मटर के क्या फायदे हैं ये भी बताए जाएंगे। ये सफेद मटर है जो हमने ली है, ये मटर हमने भिगो के ले लिया है, इसको हम उबलने रख देते हैं। नमक और हल्दी डाल के इसको हम उबलने रख देंगे। इस पे पानी आपको इतना ही डालना है जिसमें मटर की आपकी डूब जाए, इससे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं नमक और हल्दी। इसमें एक चम्मच हम नमक डालते हैं और आधा चम्मच तकरीबन हल्दी डाल के हम इसको उबलने रख देते हैं। एक सीटी लगाने के बाद आप इसकी फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और कम से कम आधा घंटा इसको धीमी आंच पे पकाइएगा, तो मटर आपकी गल जाएगी। तो सबसे पहले कुलचे बनाने के लिए हम ये गर्म पानी है, इस गर्म पानी में हम ये आधा चम्मच तकरीबन पिसी हुई चीनी डालेंगे और डालेंगे साथ में ड्राई ईस्ट, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। एक्टिवेट होने के लिए टाइम लेती है, तो ये आधा चम्मच के तकरीबन ही ड्राई ईस्ट है जिसको कि हम मिक्स करके पानी में एक्टिवेट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमें डो बनाना है कुलचे बनाने के लिए उसके लिए हमें ड्राई ईस्ट एक्टिवेट चाहिए। तो वेट करते हैं 5 से 7 मिनट इसकी एक्टिवेट होने की। ये देखिए, ये मैंने बारीक सूजी ली है, एक कटोरी तकरीबन, छोटी कटोरी। इसमें हम 2 चम्मच सिर्फ मैदा डालेंगे। और डालेंगे हम ये ईस्ट जो हमने पहले एक्टिवेट होने के लिए रखा था। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। कुलचे जो हैं वो मैदे से भी बनते हैं, मैदे वाले कुलचे आपको बहुत जल्दी ही बनाना बता देंगे कैसे बनाते हैं। ये पूरा एक्टिवेशन हम जो हमने करा है ये इसके यूज़ कर लेंगे। और इसको हम जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से आटा गूंथना है। और उसको फिर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे अच्छे से। मैंने 2 जनों के हिसाब से कुलचों का लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाते तो हमने कमी उसके हिसाब से रखा है। आप जितने बंदे हैं उस हिसाब से रखिएगा। अब हम इसको कम से कम आधा घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये जस्ट डबल हो जाएगा आटा, तो आधे घंटे बाद इससे मिलते हैं, बाकी तैयारी कर लेते हैं। जब तक हम ये मटर देखिए हमारी अच्छे से उबल चुकी है, ये देखिए आप, बस ये इसी तरीके से हमें चाहिए। आज हम आपको मटर कुलचे जो हैं, स्पेशली मटर, 2 तरीके से बनानी बताएंगे, कैसे बनानी है। एक तरह से जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होती है उस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें थोड़े से ये चॉप टमाटर है ये डालेंगे। चॉप्ड अनियंस डालेंगे, आपने देखा होगा बाजार में जो आपको मिलते हैं वो सब रॉ होता है। ऐसे ही थोड़ी सी अदरक डालेंगे हम, और ये हरी चटनी डालेंगे हम, ये घर की बनी हुई हरी चटनी है, ये डालेंगे, 2 चम्मच डाल दिए मैंने। और ये मसाला है जो मैं चने के लिए बनाती हूँ, ये मसाला हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे।
और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए एक मटर हमने ऐसे तैयार कर लिए। इसको हम तरीके से जैसे बाइज्जत वो देते हैं उसी तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको बाजार में खाने को मिलती है। दूसरी मटर जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम कढ़ाई को। तो सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, मेल्ट होने देते हैं इसको। मक्खन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखी हुई थी। इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे हम। जब तक प्याज भूनती है तब तक मैं आपको इस मसाले के बारे में बता देती हूँ। इस मसाले के अंदर जो सामान मैंने डाला है वो है काला नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और मिर्च। मिर्च जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, काली मिर्च या फिर लाल देगी मिर्च या लाल मिर्च। ये पाउडर हम बना कर तैयार रख लेंगे और थोड़ा सा इसमें एक पिंच आप हींग जरूर डालिएगा जो डाइजेशन के काम आएगी आपके। तो ये मसाला हमने बना कर तैयार कर लिया है जो कि हम मटर के अंदर डालेंगे। अब इसमें हम ये चॉप की हुई अदरक डालेंगे और साथ ही डालेंगे ये चॉप टमाटर। आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर मटर कुलचे बहुत फेमस है। कुछ लोग इसको मटर कुलचे बुलाते हैं तो कोई मटरा बुलाता है, कोई छोले कुलचे बुलाता है, बट ये एक्चुअल में मटर कुलचे ही है। दिल्ली में यार हर गली कूचे के अंदर आपको इसकी एक ना एक दुकान जरूर मिलेगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मसाला जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा है। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, मेरे घर में नहीं खाई जाती है तो मैंने नहीं डाली है। हम ये मटर इसके अंदर डाल देंगे। ये इजीली आपको पंसारी की दुकान पे अवेलेबल हो जाएगी, बस आपने उसको सफेद मटर बोलनी है, वो आपको दे देगा। ये देखिए हमारी मटर ये वाली भी तैयार हो चुकी है। बस इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे और ये हमारी तैयार है। ये हरा धनिया हमने इस पे डाल दिया है, थोड़ी सी ये जिंजर जुलियन डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम अब ऑफ कर देंगे। मटर हमारे बन चुके हैं, खाएंगे किसके साथ? कुलचों के साथ। तो कुलचों का जो हमने लगाया था अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तवा रख के उस पर गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करी, ये हम सबसे पहले स्लैब को थोड़ा सा पाउडर से मैदे से डस्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैदे को थोड़ा ऐसे स्लैब पे इसको फ्लैट करते जाएंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। बेसिकली हमने इसमें ग्लूटेन पैदा करना है, ग्लूटेन लाना है। जितना लचीला होगा उतना अच्छा होगा। ये डो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम तैयार करेंगे इससे कुलचा। डस्ट करेंगे जरा सा, इस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस पे धनिया, और ऐसे हम इसको बेल देंगे। थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे और अब हम जिस साइड हमने धनिया लगाया है उस साइड नहीं, दूसरी साइड इसके हम ऐसे पानी लगाएंगे और इसको तवे पे रख देंगे।
और तवे पे भी ऐसे ही पानी थोड़ा डालेंगे और इसको चिपका देंगे। और ये लिड हम इसके ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, जिससे हमारा कुलचा सिक जाए और जले ना। देख सकते हैं आप हमारा कुलचे को हम पलटेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक चुका है। इसको अब दूसरी साइड से भी सेकने देते हैं। ये कुलचा आप देख सकते हैं हमारा सिक चुका है बहुत अच्छे से। इसको उतारते हैं और दूसरा हम डालते हैं। देखिए मटर भी बन चुकी है अब हमारी, ये बाजार की और ये हमने घर में बनाई। वो बाजार की इन द सेंस आपको मैंने बताई बाजार में कैसे बनती है वो, और घर में कैसे मैं बनाती हूँ वो, और ये कुलचे भी घर के हैं। तब दोनों चीजें तैयार हो चुके हैं तो फिर खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप विजिट किया है और चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठंड बहुत है, घर में रहें, तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।